गाइस वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बिकॉज ये मेरा न्यू गाइस। तो हाँ, अभी हम बता रहे हैं किचन में और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कल की सब्जी बना रही हूँ। तो देख सकते सब्जी का मतलब ऑलमोस्ट बनकर तैयार ही हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप, ये चावले की सब्जी है, चावले की फली की सब्जी है और ये दूध रखा है, इनको गर्म करना है। सब्जी तो हमारी ऑलमोस्ट और अब हम रोटी बनाएंगे। तो ये देख सकते हो जो हमारा किचन है, छोटा सा किचन है हमारा। अब मैं बनाऊंगी रोटी, देख सकते हो आप, अब मैं रोटी बनाऊंगी। देख सकते हो मैं यहाँ पर मैं रोटी बनाऊंगी। बेटा गिर जाएगा, अरे 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 गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो चलो हम लोग नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर। हाय गाइस, तो अब आप देख सकते हैं हम दोनों नहा लिए हैं, नहा के हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम बनाएंगे लड्डू का खाना, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। इस लड्डू का खाना बनाएंगे, तो अब हम दोनों खाना खाएंगे। पहले मैं इसको खाना खिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं लड्डू भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। अब हम दोनों रेडी हो के लड्डू का खाना बनाएंगे, है ना लड्डू? मिक्सी में खाना बनाएंगे लड्डू का, जो कि लड्डू को देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप बनी रही हमारे साथ, अब हम लड्डू का खाना बनाएंगे। तो ये लड्डू का खाना बनाएंगे, यहाँ बैठेगा लड्डू, मैं बनाऊँगी लड्डू का खाना। अब हम बनाएंगे लड्डू का खाना, जो कि हम मिक्सी में बनाएंगे और मिक्सी में लड्डू का खाना बनाएंगे, तो इसको बहुत अच्छा मैं मिक्सी में बनाऊंगा। लड्डू गिर में जाने बैठे, देखो अपन कहाँ चले।
सब्जी भुन जाएगी। मम्मा क्या खाएगी फिर? मम्मा की सब्जी ढोल दोगे आप तो मम्मा क्या खाएगी बेटा? आजा मम्मा का, आजा मैं दे दूँगी। ये चाहिए आपको नमक की डब्बी, दे लो ठीक है। लो जाओ खेलो उधर। अभी लड्डू जा चुका है, वो नमक की डब्बी लेके वो अपना खेलने चला गया। अभी मैं उसका खाना रेडी कर रही हूँ, फिर खाना रेडी करके और मैं उसको खिलाऊँगी, इसके बाद फिर मैं खाऊँगी। ये मेरा डेली का रूटीन है, ऐसा नहीं है तो मैं डेली करती हूँ, पहले उसको खिलाती हूँ फिर मैं खाती हूँ। इसे देख कर ये खाना खाता है ठीक है। तो अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ और हम मिलते हैं खाना इसको खाना खिलाने के बाद ठीक है। लाल टमाटर इसकी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चलो ठीक है, हम मिलते हैं इसको खाना खिलाने के बाद। ओके बाय गाइस। अब अभी हम दोनों का खाना हो चुका है और अभी हम इधर बैठे हैं और ये विकास मस्ती कर रहा है। आप देख सकते हो ये कितनी मस्ती करता है, कुर्सी पर भी अकेला ही चढ़ जाता है, बिल्कुल इसको डर नहीं लगता किसी चीज़ का भी। गिरे गिरे गिरे, चलो कुर्सी पे चढ़ के दिखा दो सबको, सबको चढ़ के दिखा दो कुर्सी पे कैसे चढ़ती मेरी रुद्रांशी। वो कहाँ भागी, कहाँ भागी, कहाँ भागी लंगड़ी। पूरा दिन कैसे निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। अब ये कुर्सी को कहाँ लेके जा रहे हो आप? ये आपका झाड़ू, ये आपका झाड़ू, चिचक चिचक चिचक, कौन सफाई करेगा इससे? छोड़ दे कुर्सी को, तो छोड़ दे। अब उसको लेकर ही उस पर चढ़ेगा देखना। अब ये भी नहीं, इससे ये भी नहीं छूटेगी और ये इसको लेकर इसके ऊपर चढ़ेगा देखो बेचारा। जा दादी को दिखा के आ जाओ, जाओ दादी को दिखा के आ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको रुद्रांश से तो मिला दिया और मैं तो ब्लॉग बना ही रही हूँ। अब इस रुद्रांश के पापा गए तो वो करते हैं नाइट शिफ्ट, तो वो भी सो रहे हैं, वो जब उठेंगे तो मैं उनको अपने ब्लॉग में शामिल करूँगी और उनको भी दिखाऊँगी। अभी वो सो रहे हैं, वो उठेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी रुद्रांश गया आगे उसकी दादी के पास, तो चलो हम देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। वो जा रहा है, ओ झाड़ू पोछे वाले भैया आ जाओ,
आप देख सकते हैं वो गया अभी। ओ भाई हमारे कपड़े गाइस, ये सब हमारे कपड़े टंग रहे हैं या सूखे हैं, अभी हम इनको लेंगे और उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे। और ये लड्डू को आप देख सकते हो, ये मस्ती कर रहा है फुल ऑन अपना बैठ के, ये अपना फुल ऑन बैठ के यहाँ पर मस्ती कर रहा है। नाच के दिखाओ, नाच के। ये कैसे नाचते हैं वहाँ पे गरबे में लड़कियाँ, कैसे नाचती है ऐसे? वाह यार कैसे नाचती है। चुचू आ रही, रुक जा। हमने सारे कपड़े कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पीछे से, और आप लड्डू को देख सकते हो यहाँ बैठकर खेल रहा है। इसका छत पे फुल ऑन मस्ती होता है, ये बहुत मस्ती करता है छत पे जब रहता है तब। गंदी चीजों से नहीं खेलना बेटा। अच्छा वो गरबे में लड़कियां कैसे नाचती हैं लड्डू, कैसे नाचते हैं इधर देख के बता, कैसे नाचती है गरबे में लड़कियां, कैसे नाचती है? इसको खेलने के लिए पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो देख सकते हो पीछे क्या कर रहा है वो उसका पस खेल रहा है, अपने अपने आप में ही खेल रहा है। आ जाओ लड्डू, आ जाओ। देख सकते हो आप आ रहे हैं, आ जाओ लड्डू। ओ बेटा कम कम कम, वो गरबे में लड़कियां कैसे नाचती हैं ऐसे? वाह यार, और तू कैसे नाचेगा, तू कैसे नाचेगा, तू भी ऐसे ही नाचेगा क्या? बस ये अपने में ही लगा हुआ है, पूरा अपने में ही लगा रहता है, खेलता रहता है, पूरा खेलता है ये यहाँ पर छत पे आके। तो चलो अभी हम इसको खेलने देते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। गाइस तो आप देख सकते हो मैंने अभी मुँह पे फेस पैक लगाया है, मतलब दूध लगाया है कच्चा दूध, बिकॉज मेरे मुँह पे बहुत बहुत बारीक बारीक फुंसियाँ हो रखी हैं, तो मैंने उन सबको हटाने के लिए ये फेस पैक लगाया है। इसको 15 से 20 मिनट रखूँगी मैं, उसके बाद मैं इसको धो लूँगी। तो अभी मैंने इसको लगाया, जस्ट लगाया है, 15 से 20 मिनट बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब हम आटा गूंदेंगे, इसको फूटने देते हैं, उसी के साथ अब हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के बाद रोटी बन गई, देख सकते हो आप, मैं फिर मेरे किचन में आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने आटा ले लिया है, अब हम आटा लगाएंगे। आटे में हम नमक डालेंगे, उसके बाद आटा लगाएंगे। आटा लगा कर हम तैयार कर देंगे, और इधर मैंने पालक को उबाल रखा है, रेडी कर रखा है, तो हम पालक की सब्जी बनाएंगे। इधर पालक रेडी है, इसके लिए मैंने लहसुन भी कूट ली है, लहसुन भी कूट के रख ली है। इसके बाद हम पालक की सब्जी बनाएंगे। अब भी हम आटा बना रहे हैं, आटा गलाने के बाद फिर हम सब्जी बनाएंगे। अभी ये देख सकते हो आप आटा है, इसको लगाना है, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि लड्डू कहाँ गया है, तो लड्डू उसकी दादी के साथ गया है।